दक्षिणी कोरिया दे विच मीह ने मचाई तबाही, अनेका लोकां दी चली गई जान, लोक हो गए ने बेघर। जी हाँ, एक मामला जो कि सामने आ रहा है जिस दे विच दक्षिणी कोरिया दे विच लोक हड़ा दी मार चल रहे ने। भारी बारिश कारण लोग बेघर तो हुए ने, पर उस दे नाल ही कई लोग अपनी जान भी गवा चुके ने, ते कई लोग तो अजिहे ने जिन्हां दी लाशां भी बरामद नहीं हुई, लापता घोषित कर दिता गया। इत्थे तुहानू दस दईए कि लगातार सर्च अभियान भी जारी है, काफ़ी लोग लापता दसे जा रहे ने। आखिर दक्षिणी कोरिया के किस किस इलाके दे विच लोगों का नुकसान होया, की नुकसान होया, आओ पूरी जानकारी दें अज के इस वीडियो के माध्यम राही। दस दईए कि इस वक्त भारत दे विच काफ़ी ज़्यादा माहौल जिहड़ा है विगड़िया होया है। भारत दे विच कई इलाके हड़ा दी मार चल रहे ने। पंजाब की जेकर गल करिए अद्धे तो वध पंजाब दे लोक जिहड़े ने हड़ा दी मार चल रहे ने, लोकां दे घर डुब गए ने, पिंडां दे पिंड शहरां दे शहर डुब चुके ने, लोक घरां तो बेघर हो गए सी। इत्थे तुहानू दस दईए कि भारत दे विच मनाली दे विच वी अजिहा देखण नू मिलिया जिथे जमीन खिसकण कारण लोकां नू काफ़ी नुकसान चलना पिया। दस दईए कि मनाली दे विच 8 बसां तक लापता हो गई सी, जिस दे विच एक बस बरामद भी हो गई ते उसके ड्राइवर ते कंडक्टर दी मृतक देह भी बरामद कर ली गई। अजिहा ही दक्षिणी कोरिया दे विच देखण नू मिल रहा है। ना सिर्फ भारत हड़ा दी मार चल रहा है, सगों जिहड़ा दक्षिणी कोरिया दे विच भी अजिहा देखण नू मिलिया। दस दईए कि उसोंग इलाके दे विच 19 कारां लापता हो गई ने। चुंगचांग इलाके दे विच काफ़ी लोग जिहड़े ने परेशान ने, क्योंकि उत्थे जमीन खिसकन कारण लोगों के घर ढह गए ने। इत्थे ही जेकर गल करिए काफ़ी लोगों दीआं लाशां भी बरामद हुई ने, जो कि हड़ दे पानी दे विच रुड़ गए सी। काफ़ी लोग इस वक्त लापता भी दसे जा रहे ने। जी हाँ, तुहानू दस दईए कि दक्षिणी कोरिया के कई इलाकों दे विच लोग लापता ने। लापता लोगों की गिनती 14 दसी जा रही है, मृतक लोगों की गिनती 30 दसी जा रही है। हालांकि तुहानू दस दईए कि सर्च अभियान चल रहा है, क्योंकि लापता लोगों नू लभण दे लई सर्च अभियान किया जा रहा है, ता जो लापता लोगों नू लभ्या जा सके ते उन्हां नू बचाया जा सके। पर इत्थे तुहानू दस दईए कि 30 मौतों की गिनती सामने आई है। हालांकि सर्च अभियान अजे जारी है, ते जेकर सरकारी एजेंसियां दी गल करिए सरकारी एजेंसियां का कहना है कि लापता लोगों के आंकड़े के हिसाब नाल यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद हो सकती है कि यह मौतों की गिनती जो है वह आने वाले समय के विच वध भी सकती है, यानी कि 30 तो वध भी लोग जिहड़े ने वह हो सकता है कि उन्हां दी मौत हो गई होए। सो जिथे असी देखते हाँ कि भारत दे विच काफ़ी जिहड़ा है हड़ा दी मार चल रहे ने लोग, उत्थे ही दक्षिणी कोरिया दे विच भी अजिहा ही देखण नू मिले है। लोग काफ़ी परेशान हो रहे ने, काफ़ी लोगों के घर तबाह हो गए ने। ते इत्थे ही तुहानू ये भी दस दईए कि कोरिया दे विच जिहड़ा लोगों ने घर भी छड दित्ते ने ता जो वह बच सकण, क्योंकि घरां दे विच भी तक भी पानी वड़ गया सी। हड़ा दी मार ना सिर्फ भारत चल रहा, ना सिर्फ पंजाब चल रहा, सगो साउथ कोरिया तो भी अजिहा ही मामला सामने आ रहा। सो इस वक्त जेकर गल करिए काफ़ी लोग हड़ा दी मार चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो मदद लई हर एक नू हाथ वधाउणा चाहिए, संकट किसी ते भी आ सकता है। जिवें भारत दे विच लोग इस वक्त जिहड़े ने, जेकर पंजाब की गल करिए पंजाब दे विच लोगों के घर तक लंगर पानी पहुँचाया जा रहा है। सो हो सकता है कि दक्षिणी कोरिया दे विच जो हालात देखे जा रहे हैं उत्थे भी मदद दे लई किसी ना किसी नू हाथ वधाउणा ही पएगा। भारत तो खुद अजिहियां चीज़ां दे विचों लंघ रहा है। सो तुसीं भी देख सकते हो कि जेकर तुहाडे इलाके दे विच रब ना करे अजिही परिस्थिति हुंदी है तो की बीतेगी तुहाडे ते, एक बार तुसीं खुद ही सोचो।